जय माता दी। आज नवरात्रि है और हमारे घर पे अभी कुछ देर में पंडित जी आएंगे और वो कलश की स्थापना करेंगे। आवश्यक सामग्री हमने आपको कल वीडियो में बता दी थी। अभी हमारी मम्मी पूजा घर की सफाई कर रही हैं। चलिए आपको उनके पास लेके चलते हैं। ये देखिए हमारी मम्मी पूजा घर की सफाई कर रही हैं। सभी भगवान जी को साफ स्वच्छ धुले हुए वस्त्र पहना रही हैं और ये देखिए देवी माँ को मम्मी ने तैयार कर दिया है बिल्कुल नए नए वस्त्र पहना के। और इधर राम दरबार में भी भगवान जी को राम जी लक्ष्मण जी को पहना दिया है और अभी सीता माता और हनुमान जी वस्त्र पहनने के लिए रहेंगे। सीता माँ अपने पहन लिए हैं वस्त्र। ये देखिए अभी जब पूजा घर की पूरी तरह से सफाई और देखिए मम्मी ने वस्त्र भी नीचे का बिछा दिया जो कल मैंने बनाया था। और अब पूजा घर की सफाई पूरी तरह से हो चुकी है और पंडित जी भी आ चुके हैं तो बस अब कलश स्थापना शुरू होने ही वाली है। ये देखिए पंडित जी बैठे हुए हैं। कलश स्थापना के लिए पंडित जी ने एक बड़े से पात्र में मिट्टी रखवाई है जो कि आप वीडियो में देख सकते हैं और कलश रखवाया है। कलश स्थापना के लिए पंडित जी ने मंदिर में एक साइड से कलश को रखने के लिए नीचे पहले एक लाल कलर का कपड़ा बिछवाया है जो कि अभी मम्मी ने बिछाया है और अब इसके ऊपर कलश रखा जाएगा। उससे पहले पंडित जी ने एक कटोरी में आटा और हल्दी मंगवाया है और इसे मिक्स करके पंडित जी ने ज़मीन पर ये स्वास्तिक बनाया है और जहाँ पर कलश की स्थापना होगी वहाँ पर एक रंगोली टाइप की बनाई है। और ये कलश स्थापना के लिए जो पात्र में मिट्टी रखी थी उसमें पंडित जी ने पापा से जौ मिलवाकर और कलश पर लेस लगवाकर उसके ऊपर आम के पत्ते रखवा दिए हैं और उसके बाद कलश को उठाकर उस पात्र में रखवा दिया है जिसमें मिट्टी और जौ हैं। अब पंडित जी नारियल लेकर उसके ऊपर कलाबा बांध रहे हैं और अब पंडित जी नारियल के ऊपर चुनरी लगा रहे हैं और पापा रिबन में बिछिए और चूड़ियाँ बांध रहे हैं। चुनरी के ऊपर से पंडित जी कलाबा बांध रहे हैं और चुनरी पूरी तरह से अच्छे से नारियल में लग गई है और पंडित जी ने नारियल को उठाकर आम के पत्तों के ऊपर रख दिया है और ऊपर से नारियल को माला पहना दी है क्योंकि इसमें देवी जी का वास माना जाता है इसीलिए कलश की स्थापना की जाती है। अब पंडित जी पापा जो रिबन में बिछिए और चूड़ियाँ बांध रहे थे उसकी माला बना रहे हैं और इसको कलश में पहनाएंगे पापा। जय माता दी। अब पंडित जी कलश को उठाकर मंदिर में स्थापित करवा रहे हैं। बोलिए जय माता दी। कलश मंदिर में स्थापित हो चुका है और पंडित जी अब बड़ी वाली जो जोत होती है उसको प्रज्वलित कराने की तैयारी करा रहे हैं। बड़ी वाली जोत पूरे 9 दिन तक मंदिर में जलाई जाएगी। जोत का हमेशा ध्यान रखें कि वह कभी भी बंद ना हो, हमेशा ही जलती रहे। उसके लिए अगर आपको कोई दिक्कत लगती है तो आप पास में उसी जोत से एक छोटी जोत जला लें और फिर उसके बाद बड़ी वाली जोत को सही कर लें। और बड़ी जोत पूरी तरह से तैयार हो गई है और अब इसमें घी डालने जा रहे हैं पापा। अब पापा चंदन का लेप बना रहे हैं सभी भगवान जी के टीका लगाने के लिए और पंडित जी आवश्यक सामग्री जो कि कलश स्थापना को पूरी करने के लिए ज़रूरी है वो निकाल रहे हैं। ये पंडित जी ने कुछ बताशे निकाले और कपूर निकाल रखा है और कलावा निकाल रखा है और धूप बत्ती निकाल रखी है, लौंगे निकाल रखी हैं, मिष्ठान निकाल रखी है, फल निकाल रखे हैं साइड से रखे हैं, फूल रख रखे हैं और ये पापा आए चावल लेकर ये चढ़ाए जाते हैं।
पंडित जी ने बताया। और ये कलश के पास में चढ़ाए जाएंगे। और अब मम्मी चावल लेकर आ रही हैं। मम्मी भी कलश के पास में ही चावल चढ़ाएंगी। बोलिए जय माता दी। और पंडित जी ने कलश पर फूल चढ़ा दिए हैं। और पंडित जी ने बड़ी वाली जोत प्रज्वलित करवा दी है। और अब इसको उठाकर मंदिर में कलश के पास में रखा जाएगा। बोलिए जय माता दी। जोत जलाने के बाद धूप बत्ती और छोटा वाला दिया जलाया जाएगा। अब पूजा को आगे बढ़ाने के लिए गैस पर एक कंडे को रखकर उसकी अग्यारी की जाएगी। और इस कंडे को कुछ देर बाद हमें उठाकर ले जाना है। तब तक आगे की पूजा की जाएगी। तो आ जाइए मेरे साथ में। बोलिए जय माता दी। और पुष्प को हाथ में लेकर देवी माँ को समर्पित करें। और फिर हाथ में पान का पत्ता लेकर उसमें पुष्प, उस पर बताशे, फल, लौंगे रखकर गणेश जी को चढ़ा दें, जैसा कि पंडित जी ने बताया है। आगे की पूजा में क्या करना है, यह आप पंडित जी की बातों को ध्यान से सुनकर आसानी से समझ सकते हैं। सर्व मंगल मांगल्ये श्री सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा चमाशिका धात्री स्वामस्ता नमोस्तुते। ॐ कलशाधिष्ठितवरदेवता प्रतिष्ठां समर्प्यामि नमो नमः। कलशस्य मुखे विष्णुकण्ठे रुद्रासमासता मूले त्वस्य स्थितो ब्रह्मा मध्ये मात्रणासन्ता। वक्षौ तु सागरा सर्वे शब्दी वसुन्धरा ऋग्वेदो यजुर्वेदो शाम वेदो अथर्वण अंगश्चा सहिता सर्वे कलशेस्तु समासता। कलशता भूत भैरव दीप्ता भक्त दर्म कामना सिद्धार्थे नमो नमः। ओम नमो देव्ये महादेव्ये शिवाय सत्यम नमः नमः प्रकृत्ये भद्राय नेता प्रणताय स्मृतां ध्यात्वां देवीं पंचपूजां कं पंचपूजां पादेभ्यः प्रणम्य च।
शरण गए पीला प्यार कियो जगदम्बे
संकट दूर निवारे दया मैय अम्बे जय अम्बे गौरी बोलो मे दुर्गे मैया की। तुमेव बन्धुश्च सखा तुमेवा तुमेव विद्याधवनं तुमेवा तुमेव सर्वं मम देवदेव शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवहरणं सर्वलोकैकनाथं वन्दे दुर्गे मैया की जय। श्रोतांस्तथा लोकानकल्पय हरिदाता भक्ता हरिणं प्रजाप्य तदीय वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पितम तेरी भगवती में तेरे आगे हमसे दिन को क्या लागे भाव भाग का प्रसाद लीजिए सरस्वती भक्तों को दीजिए ब्रह्मार्पणम हविर ब्रह्म ब्रह्माग्नम ब्रह्मातम ब्रह्मय तेन गंतव्यम ब्रह्म क्रम समाधिना प्रसाद लीजिए। पूजा संपन्न हो गई, कलश की स्थापना हो गई, बोलिए जय माता दी।